सरकार की। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपना। बनाई
तो लो
जो स्वा
Thank you.
जा
छवि लकी अचर सचर हो जाकी।
योग माया गोविंद राधे चली गई तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो भगवान करते हैं स्वयं, इसलिए उसके कर्म भी दिव्य होते हैं। जब तक हम माया के अंडर में हैं तब तक हमारे सब कर्म माइक होते हैं। जब हम भगवान के बन गए, माया चली गई, तो फिर हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। इसीलिए हम तुलसीदास की, सूरदास की या किसी महापुरुष की वाणी को भगवान की वाणी मानकर मानते हैं। उनका कोई भी कर्म माइक नहीं होता, देखने में माइक होता है, क्योंकि वो योग माया से कर्म करते हैं। तो प्राकृत मनुष्य की तरह सब कर्म करते हैं, संसारी माइक आदमी की तरह, लेकिन वो दिव्य होता है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुन सत पंथ डर्यो, ते त्रैलोक पूज्य पावन जस सुन सुन लोक तर्यो। तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में कि पांडवों का जन्म निंदनीय
पांच पतियों से पांच पांडव पैदा हुए, इंद्र के लड़के अर्जुन, ऐसे ही धर्मराज के लड़के युधिष्ठिर। तो पांच पति से पांच लड़के, अब पांचों लड़कों ने फिर एक स्त्री बना लिया द्रौपदी, और बड़ा पाप। संसार में लोग कहते हैं भाभी मां होती है, और छोटे भाई की बीबी के प्रति दुर्भावना करने वाले को मार डालो तो पाप नहीं लगेगा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। ये पांचों पांडव की एक स्त्री थी, और एक एक महीने की स्त्री थी। एक महीने अर्जुन की स्त्री द्रौपदी, दूसरे महीने युधिष्ठिर की स्त्री, तीसरे महीने भीमसेन की स्त्री। इस प्रकार पांच महीने बाद फिर नंबर आता था। तो ये भी पाप शास्त्र वेद के अनुसार। लेकिन ते त्रैलोक के पूज्य वो सब महापुरुष थे, द्रौपदी भी महापुरुष थी, भगवान का अवतार हुआ उसके लिए, और पांचों पांडव भी महापुरुष थे। तो महापुरुष के कार्य दिव्य होते हैं, देखने में माइक लगते हैं। पावन जस सुन सुन लोक तरयो, उन पांडवों के चरित्र को, कर्म को सुन करके, चिंतन करके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है मनुष्य। और जबकि देखने में वो पाप कर्म है, तो भगवान और महापुरुष के कर्म दिव्य होते हैं। लेकिन उसका मर्म उनके काल में वही जान सकता है जिस पर वो कृपा करके जना दे। जब चले जाते हैं महापुरुष तब लोग जान लेते हैं। तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, तुकाराम हो, गौरांग महाप्रभु हो, कोई हो, जब तक वो थे तब तक हम नहीं समझ सके उनको, और जब संसार से चले गए तो हम लोग पूजा करते हैं। हम लोगों की आदत है, अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, तो हमने सदा महापुरुषों का अपमान किया, भगवान के अवतार आए उनका भी अपमान किया, और जब वो चले गए तो फिर उनका कीर्तन हो रहा है, पूजा हो रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है। तो भगवान के और महापुरुष के, क्योंकि उनकी आत्मा दिव्य हो गई, माया से मुक्त हो गई, इसलिए उनके सब कर्म भगवान के कर्म हैं, इसलिए वो दिव्य हैं। लेकिन उसके मर्म को वही जान सकता है जो उनके शरणागत हो, और जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो जान सकता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कर ए उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा बिगे न बुझे। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति जो कर लेता है, उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते उसका रहस्य, वो केवल महापुरुष ही जान सकता है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना।
उनकी गति वही समझ सकते हैं, संसारी आदमी नहीं समझ सकता। क्यों? अब देखो, संसार में बच्चा पैदा होता है, हाँ, स्त्री पति के काम युक्त होकर संभोग से होता है, हाँ, लेकिन ये महापुरुष के बच्चा कैसे पैदा होता है? ध्रुव के, प्रहलाद के, भरत के, लक्ष्मण के, सब महापुरुषों के, भगवान के, सब के जो बच्चे हुए, ये कैसे हो गए? इनको तो काम व्याप्त नहीं होता। हाँ, समझ में आया? नहीं आया? किसी को हम एक झापड़ लगाते हैं तो पहले गुस्सा आता है, जोर से गुस्सा आया, और आया और आया, और जब कंट्रोल नहीं कर पाया तो झापड़ लगा दिया। और मर्डर कर दे कोई किसी का, ये तो बहुत बड़े गुस्से में करेगा। अब अर्जुन करोड़ों मर्डर कर रहा है, हनुमान जी लंका जला दे रहे हैं, और ये सब महापुरुष हैं, इनमें क्रोध कहां से आएगा? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहिं जगत। ये सारा संसार सीताराम में, राधे श्याम में देखते हैं महापुरुष लोग, ये मर्डर कैसे करेंगे? लेकिन किया। तो समझ में आया? नहीं? हाँ, नहीं आ सकता क्योंकि तुम नहीं कर सकते ऐसा। तुम तो बिना गुस्से के गाली भी नहीं देते, अंदर गुस्सा आता है तब उसका रिएक्शन होता है बाहर, और वहां गुस्सा है ही नहीं और मर्डर हो रहा। आश्चर्य। हाँ, तुम नहीं समझ सकते। देखो, एक 5 वर्ष का बच्चा, उसको माँ कहती है तू मेरा बेटा है, और बाप कहता है तू मेरा बेटा है, तो वो अपनी मम्मी से, पापा से पूछता है कि मम्मी तुम दोनों हमको बेटा कहते हो, तो मैं तो एक का बेटा होऊंगा किसी का, तुम दोनों का कैसे बेटा हूं? तो दोनों मुस्कुराते हैं कि इसको कैसे समझाएं, 5 साल का है, काम दोष से अपरिचित है, दोनों का बेटा है, बस बस मान ले, बहस मत कर, यही कहना पड़ेगा माँ बाप को, और क्या करेंगे बिचारे, बोध नहीं करा सकते। तो जैसे काम दोष से अपरिचित काम के विषय को नहीं जान सकता, ऐसे काम दोष से युक्त व्यक्ति निष्काम भगवान और महापुरुष की क्रिया का रहस्य नहीं जान सकते। जब उस क्लास में जाएंगे तब समझ में आएगा, हाँ, ये योग माया का कार्य है, संसार से परे भी रहे और संसार का वर्क भी करे, क्रोध नहीं है, करोड़ों मर्डर करे। हाँ, अब समझ में आया, पहले नहीं आ सकता। तो जिस पर कृपा हो जाए भगवान की, महापुरुष की, और वो समझा दे कि योग माया का कार्य ऐसा होता है कि योग रहे अपनी पर्सनालिटी में और माया का कार्य करे, स्वयं का मन भगवान में रहे और इंद्रियों से कर्म करे। जैसे आप लोग, ये छाती है आपका, बक्षस्थल है, इसी बक्षस्थल से आप माँ को चिपटाते हैं, हाँ, इसी बक्षस्थल से बीबी को चिपटाते हैं, हाँ, इसी बक्षस्थल से बिटिया को चिपटाते हैं, हाँ, तो क्रिया तो एक सी है, हाँ, लेकिन भावना में अंतर है। अरे, बहुत बड़ा अंतर है। तो देखो, क्रिया एक होते हुए भी और उसकी जो भीतर की भावना है उसमें अंतर है। होली पर कितने मजाक होते हैं, मूर्ख सम्मेलन होता है,
पहली अप्रैल को लोग फूल बनाते हैं, ससुराल में आपको गाली मिलती है, तो उसमें अंदर गड़बड़ नहीं है, बाहर से क्रिया गड़बड़ है। तो ऐसे ही जब संसार में आप ऐसा कर लेते हैं, अंदर गड़बड़ है बाहर ठीक है, आप नहीं चाहते आदमी हमारे पास आवे, लेकिन आ गया, आइए आइए आइए, अरे भाई इनको नाश्ता लाओ, आप तो कभी आते ही नहीं, देखिए आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, भीतर आप कहते हैं बदमाश क्यों आ गया। तो ऐसी थोड़ी बहुत क्रिया आप ही लोग कर लेते हैं, फिर भगवान के पास तो महाशक्ति है योग माया की, जो कर्त मकर्त मन्नथा कर्तुम समर्थ है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, उल्टा, ये उल्टा वाला है कि भीतर काम नहीं है काम का कार्य करे, क्रोध नहीं है क्रोध का कार्य करे, लोभ नहीं है और करोड़ों वर्ष राज्य करे ध्रुव प्रह्लाद। हम उनको देखे, ये प्रह्लाद है, हाँ इनको भगवत प्राप्ति हो गई है, सुना है 5 साल में, हाँ ये राजा बने हैं करोड़ों वर्ष से, इनको वैराग्य नहीं हुआ, इनको ये बोर नहीं हुए करोड़ों वर्ष, हजारों नहीं, एक मन्वंतर राज्य किया। संसार में कोई पॉलिटिशियन बुढ़ापे में भी जगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो लोग कहते हैं देखो इसका पेट नहीं भरा, चलने नहीं पाता और मरा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने को। तो ऐसे ही है ध्रुव प्रह्लाद, करोड़ों वर्ष राज्य करते रहे, इनका लोभ नहीं गया। हम लोगों ने उस समय यही कहा, जब जब हम महापुरुषों को देखते हैं ऐसे ही कहते हैं। गौरांग महाप्रभु ने हरिदास को निकाल दिया सत्संग से, क्यों? गौरांग महाप्रभु की आज्ञा थी कि कोई सत्संगी पुरुष स्त्री से भिक्षा मांग के न लावे खाने के लिए, पुरुष से भिक्षा मांगे। गौरांग महाप्रभु के लिए भिक्षा मांग के लाए हरिदास, और 80 वर्ष की बुढ़िया से मांग के लाए, 80 वर्ष की बुढ़िया से और महाप्रभु के लिए चावल मांग के लाए, और महाप्रभु जी ने जान लिया ये चावल कहां से लाए, ओ माता जी से, तुमको कहा था ना किसी स्त्री से भिक्षा न लाना, जाओ अब मेरे सामने मत आना कभी मरने तक। हो सत्संगियों ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, क्या इनके मन में 80 वर्ष की बुढ़िया के प्रति दुर्भावना हुई थी? कह नहीं। फिर आपने इतना बड़ा दंड क्यों दिया? आज्ञा का उल्लंघन किया। आज ये 80 वर्ष की स्त्री के पास गए हैं, कल जाएंगे 18 वर्ष की लड़की के पास भी, तो एक दिन पतन हो जाएगा इनका, इसलिए मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, बस इतने से मतलब है। और वही गौरांग महाप्रभु अपने सबसे अंतरंग नित्यानंद से कहते हैं ब्याह कर लो, दो ब्याह, एक भी नहीं, और दो ब्याह करवा दिया नित्यानंद का, और अपने आप अपनी स्त्री को छोड़ दिया। एक ब्याह किया, फिर दूसरा ब्याह किया महाप्रभु ने, उसको भी छोड़ दिया और सन्यासी हो गए, और नित्यानंद से कहा दो ब्याह कर लो। हम लोग थे, हम लोगों ने सुना, देखे सन्यासी है, पागल है क्या है? उस समय हम लोगों ने ये कहा। अजब, वो चले गए
गौर निताई गौर निताई कीर्तन हो रहा है। तो हम लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसी लेवल में हमारी बुद्धि काम करती है। उसके आगे भी कुछ है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए हरि हरिजन के कर्म दिव्य हैं, लेकिन उसके मर्म को, रहस्य को उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। रेलवे सरकार की जय। आरती